हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब आप अच्छे होंगे। गाइस तो आज मैं वडोदरा से जा रहा हूं चंडीगढ़ वाया अहमदाबाद और उदयपुर पाली होते हुए। तो गाइस मैं मुंबई एक्सप्रेस हाईवे नहीं पकड़ूंगा, इस बार मैं यहीं से जाऊंगा अहमदाबाद से। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं, और जयपुर से चंडीगढ़ का रास्ता जो कटता है दिल्ली से नहीं जयपुर से, तो आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस अब तैयारी कर रहे हैं बस जाने की। तो गाइस अब हमारा स्टार्ट होनी है जर्नी, तो इसलिए अब हम तेल डलवा रहे हैं फुल टैंक के। तो गाइस हवा वावा सब चेक करवा रहे हैं अब हम। तो गाइस हमने जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हम अहमदाबाद से नहीं जा रहे हैं, हम गोधरा से जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे पाली की तरफ लूटपाट बहुत होती है, तो अकेला है तो यार तभी। तो गाइस अब मैं गोधरा पहुंच कर आप लोगों को बताता हूँ कि कब तक पहुंच रहा हूँ मैं गोधरा। ठीक है गाइस, तो चलो आप देखो और मैं तब तक गाड़ी चलाऊं। गाइस देखिए पीछे पूरा बैग दिखाई दे रहा है लड़की का, देखिए चेक कीजिए गाइस ये क्या नज़ारे हैं, देख रहे हैं ये वडोदरा के नज़ारे हैं नाइट के। सो गाइस जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना गोधरा से, वहाँ से उदयपुर का सीधा डायरेक्ट हाईवे है, तो वहाँ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब बस पहुँचने वाला हूँ, तो आप लोग बस रोड का एंजॉय लीजिए। सो गाइस अभी हम वडोदरा में ही हैं, बस जैसे हाईवे पे पहुँचता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, बने रहो और वीडियो को देखो गाइस। तो गाइस मैकडी पे आएगा कुछ खाने के लिए, तो ड्राइव थ्रू से अब जा रहे हैं मैकडी में कुछ खाने के लिए, बोलता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस देखो यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं सारी की सारी, तो अब जैसे भी होता है बताते हैं आप। सो गाइस बर्गर मैंने ले लिया, अब बस खा करके फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। अभी बस अब खा ले हम। तो गाइस मैं आलू टिक्की खा रहे हैं बर्गर। तो गाइस खाना पीना हो गया, अब बस निकल रहे हैं हाईवे के लिए, जैसे ही आते हैं बताते हैं। तो गाइस नेशनल हाईवे 48 पे आ चुके हैं, NH 48, अब बस अब उसके लिए निकल रहे हैं हम दोधरा के लिए और उदयपुर के लिए। तो गाइस मुड़ चुके हैं, बस ऊपर चढ़ रहे हैं हाईवे पे, बस पहुंच ही गए हैं, चढ़ चुके हैं हाईवे पे। गाइस देखते हैं कब तक पहुंचते हैं उदयपुर और आप लोगों को अपडेट देते हैं। आप रोड का एंजॉय लो अब, और हम थोड़ा म्यूजिक का एंजॉय लेते हैं। गाइस ये रोड बहुत ही जबरदस्त हाईवे है, ये सीधा आपको जयपुर पहुंचा देगी, 700 कुछ किलोमीटर जयपुर है। तो गाइस यही उदयपुर जयपुर और अहमदाबाद का रोड है सीधी। ये देखो बंदा देखो भाई साहब कैसे गाड़ी चला रहा है। तो गाइस टोल टैक्स आ चुका है, आई थिंक 60 रुपीज है या 50 रुपीज है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ क्योंकि मैं तो फास्ट ट्रैक है, फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। टोल टैक्स होगा 50 रुपीज, 50 रुपए का टोल टैक्स है भैया। तो देखो भाई साहब कार का कितना है, हाँ जी 50 रुपए गाइस 50 रुपए है। चलो जी सो गाइस 50 रुपए का टोल टैक्स हम कर चुके पे,
अब आप रोड का एंजॉय लीजिए, आपको अहमदाबाद वाली जगह पे पहुंच करके आपको बताते हैं जो रास्ते में आएगा तो आपको अपडेट देते हैं। गाइस ये वाला हाईवे बहुत ही बढ़िया हाईवे है और बहुत ही अल्टीमेट हाईवे है गाइस। यहाँ पे ना तो खड्डे ना कुछ है, बहुत मजा आ रहा है इस हाईवे पे और थकावट भी नहीं हो रही है इस हाईवे के ऊपर। आराम से मस्ती करते हुए गाड़ी चलाओ। तो गाइस अहमदाबाद रह चुका है 43 किलोमीटर और जयपुर है 700 किलोमीटर। ये देखिए गाइस बहुत बढ़िया है। ओके हम राइट मुड़ेंगे। राइट क्या है यार, ये तो उसमें लिखा गुजरातियों में जशोदा रोड। जशोदा रोड के लिए हम राइट मुड़ेंगे गाइस। ट्रैफिक बहुत है यार और जैसे हम लोग पहुंचेंगे आप लोगों को बताते हैं गाइस, अपडेट देते हैं। चलो गाइस निकल गए। गाइस ये अहमदाबाद ही है दिल्ली है 885 किलोमीटर, उदयपुर है 225 किलोमीटर। सो गाइस यहाँ पे स्ट्रेस के लिए अभी रुके हैं 2 मिनट, जैसे भी होता है बताता हूँ। हेलो गाइस, यो देखो टोल के पास खड़े हुए हैं, या टोल के पास मेरा गाड़ियां सी आनी शुरू हो चुकी हैं। अंधेरे में तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा बट ये देखो कुछ पहाड़ सा आपको महसूस हो रहा है। आई थिंक यहाँ तो हो रहा ही होगा, नहीं हो रहा। ये देखो गाइस ये पहाड़ से आ गए, मतलब उदयपुर अब आने ही वाला है। गाइस ये देखिए गाइस उदयपुर सीधा। नेशनल हाईवे 28 पे बस चढ़ने वाले हैं कुछ देर में। सो गाइस उदयपुर आ चुका है, हम एंट्री कर चुके हैं उदयपुर में। सो गाइस देखिए आई लव उदयपुर। ये देखिए उदयपुर आ चुके हैं। और 5 बज गए। तो गाइस ये टाइम लगा
अब बाकी देखते हैं चंडीगढ़ तक कितना टाइम लगता है, अभी जयपुर तक भी जाना है, उसके बाद वहाँ से कट करना है, तो देखते हैं गाइस। तो चलो गाइस बने रहो वीडियो को देखो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अजमेर 183 किलोमीटर रह चुका है, अब अजमेर के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद फिर जयपुर, उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़, जो जयपुर से हम कटेंगे, तो आप लोगों को बताएंगे जरूर, तो बने रहो और वीडियो को देखो फ्रेंड्स। और हाँ यार, मैं ना बीच में सो भी गया था, दो घंटे के लिए नींद ले ली थी मैंने। सो गाइस, जयपुर रह चुका है 200 किलोमीटर और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, पूरा का पूरा व्यू देखो गाइस, अल्टीमेट नजारे। सो गाइस, जयपुर रह चुका है 100 किलोमीटर और वडोदरा से जयपुर हमने 600 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम पे लगभग 10:23 मिनट। तो गाइस, ये हमने अभी तक का सफ़र किया है, अब आगे का सफ़र अभी बाकी है, तो चलो देखो आप। सो गाइस, बस कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी ली है पीने के लिए, ये इससे मैकबोन कैफ से, उसके बाद बस पी करके अब निकलूँगा यार आगे के लिए। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ अब जयपुर बस आते ही, उसके बाद फिर कट करते हैं अपना, कोटपुतली से कट करेंगे चंडीगढ़ के लिए, तो आपको बताएंगे। गाइस, जयपुर रह चुका है 37 किलोमीटर, अभी आप देखो नज़ारे और रोड के मजे लो। तो गाइस, ये जयपुर का आउटर है, हम उस पर चल रहे हैं अब, कोटपुतली से ही हम लेंगे वहां के लिए, चंडीगढ़ के लिए। गाइस देखो भाई, पहाड़ आ गए सारे, मतलब घाटियां आ गई और कोटपुतली अभी भाई आपको है, तो 10 किलोमीटर 72 किलोमीटर्स है कोटपुतली गाइस। तो चलो आप एंजॉय करो अभी वीडियो को देखो। तो गाइस, दोबारा से भरवा रहा हूँ तेल, फुल टैंकी करवा रहा हूँ देखो। सो गाइस, कोटपुतली रह गया है 50 किलोमीटर, कब तक पहुंचते हैं यार। गाइस, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो दुनिया भर का है, ये बन रही है सड़क तो इस कारण बहुत ट्रैफिक है गाइस। तो गाइस, कोटपुतली से अब हम लेफ्ट की तरफ टर्न करने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए, तो ये सीधा जो हाईवे मिलेगा जहां से ये ट्रक देख रहे हो ऊपर से आ रहा है, ये हमने लेफ्ट टर्न कर लिया और गाइस ये सीधा पानीपत मिलेगा, सॉरी अंबाला में मिलेगा ये सीधा ट्रैक, कनेक्ट हो जाएगा अंबाला के साथ, नेशनल हाईवे 148, ये नेशनल हाईवे 148 है गाइस, ये देखो ये ऊपर लिखा आ गया चंडीगढ़, ये देखिए गाइस रोहतक है 163 किलोमीटर। ये देखिए चंडीगढ़ है 383 किलोमीटर और रोहतक है 163 किलोमीटर। गाइस अब सीधा कहीं नहीं मुड़ना, पहली बार आया हूं मैं भी इस हाईवे पे अनसीन, देखिए आप भी।
गाइस ये जो हाईवे है ये दादरी हाईवे है, सीधा आपको अंबाला पहुंचाएगी। ठीक है जी गाइस, बहुत ही मस्त हाईवे है, बहुत ही मस्त हाईवे है, आप देख ही रहे हैं गाइस, बहुत ही मस्त हाईवे, मजा आ गया यार, चलाओ मजे से गाड़ी। देखो जी क्या तेरी चला रहे हैं मजे से, 100 की स्पीड पे भगाते हुए लेके जा रहे हैं गाड़ी को, 106 पे आ गए, मजा आ गया गाइस। अंबाला है 264 किलोमीटर यहाँ से, बहुत ही। ये देखो गाइस हरियाली जल रही है और इतना धुआं इतना फोग हो रखा है कि कहने की बात नहीं। और गाइस अंबाला रह चुका 99 किलोमीटर, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं गाइस चंडीगढ़। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है गाइस 6:27। तो गाइस वो हाईवे खत्म हो चुका है, अब ये नॉर्मल सी वो हाईवे आ चुका है और 92 किलोमीटर रह चुका है आपका चंडीगढ़। तो अंबाला रह चुका है 51। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अब चंडीगढ़ और अंबाला हाईवे पे, तो अब देखो गाइस कब तक पहुंचते हैं अभी चंडीगढ़। भाई साहब इतना लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं वडोदरा से, अलग ही मजा आ गया यार अपनी जगह पे आ करके। पता चलना चाहिए सबको कि दिल्ली मतलब दिल्ली हाईवे के अंदर हम आए हुए हैं, मतलब मैं आया हूँ गाइस, पता चलना चाहिए आप लोगों को। इतनी लॉन्ग ड्राइव करके मैं अपनी जगह, मुझे यही तो जगह बढ़िया लग रही है। देखो गाइस कितने मस्त जगह है, देख रहे हो रौनक ही रौनक हाईवे पे, ये है हमारा दिल्ली हाईवे, जो हम यहाँ पे मनाली के लिए भी यहीं से जाते हैं, शिमला के लिए भी यहीं से जाते हैं। ये देखो ये हमारी मनाली की बस मंडी से आ रही है, ये लो बोर्ड पे भी अब आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस, देखो आ गया बोर्ड, आ गया चंडीगढ़ मनाली धर्मशाला, मतलब कि चंडीगढ़ पुल पे चढ़ चुका हूँ, बस पुल उतरते चंडीगढ़ आ जाएगा। सो गाइस चंडीगढ़ हम पहुंच ही गए हैं, वेलकम टू चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल एंडर्ड एंड चंडीगढ़। सो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं चंडीगढ़ में, अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस चंडीगढ़ में हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, ये देखिए गाइस चंडीगढ़ की ब्यूटी तो है, हिमाचल की बस। चंडीगढ़ का यही सबसे बड़ा वो है गाइस, गोल चक्कर भी आ जाता है, सीधा जाना है ना। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, तो अब मेरे को किसी के घर में रुकना है तो मैं अब वहीं जा रहा हूं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और दो तीन दिन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलता हूँ,
हिमाचल या कहीं भी जाने का। ठीक है गाइस।